सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सीएस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रीज एंड फ्लोट ऑप्शन। सो फ्रीज का ऑप्शन होता है, एक बेटरमेंट का ऑप्शन होता है। सो ये दो ऑप्शन में होता क्या है, इन दो ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी आपने ऑप्शन फॉर्म तो भर दिया, आपका जो काम था वो आपने कर दिया, अभी आपका कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, आपको कॉलेज मिलेगा कैप वन में जिस तरह से आपने ऑप्शन फॉर्म भरा होगा। और अलॉटमेंट होने के बाद ये दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है फ्रीज का, एक होता है बेटरमेंट का। सो इन दोनों ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, थोड़ा सा नॉलेज गेन होगा। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट कब होने वाला है, 18 अक्टूबर को आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन से नंबर का प्रेफरेंस आपको अलॉट हुआ है। सो 18 अक्टूबर मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा 18 अक्टूबर को। ये भी एक रिजल्ट जितनी खुशी होती है जो कॉलेज अलॉट होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला। आपको अगर डिजायर्ड कॉलेज मिल गया आपको बहुत खुशी होगी, अगर आपको थोड़ा सा नीचे मिला होगा थोड़ा सा डिसहार्टेड फील होगा, बट डोंट वरी, आपको आगे दो कैप राउंड और है, कैप टू कैप थ्री, उसमें आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज मिल जाएगा। सो गाइस सबसे पहले इस वीडियो को हम तीन कैटेगरी में ब्रेकअप करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी होगी जिनको प्रेफरेंस वन लॉक हो चुका होगा, और दूसरी कैटेगरी होगी जिनको अदर देन प्रेफरेंस वन मतलब नीचे के प्रेफरेंस लॉक हुए होंगे, और तीसरी कैटेगरी होगी जिनको कुछ भी अलॉटमेंट नहीं होगा, जिनको किसी कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, इन्होंने जिस तरह से ऑप्शन फॉर्म भरा था उसमें कोई भी ऑप्शन लगा ही नहीं, वो होगा थर्ड कैटेगरी। सो गाइस सबसे पहले हम कैटेगरी वन की बात की जाते हैं। सो कैटेगरी वन है जिसको पहला प्रेफरेंस अलॉट हो गया। सो मोस्ट ऑफली जितने मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहला सीओईपी का सीएससी रखा होगा, सेकंड वीजेटीआई का सीएससी रखा होगा, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया सो उन सब के लिए बड़ी मतलब दुखद बात है कि आप आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपको पहला नंबर का प्रेफरेंस लॉक हो चुका, मान लो किसी एक बच्चे ने 99.5 पे उसने वीआईटी का सीएस रख दिया, तो ऑब्वियसली बात है 99.5 पे उसको वीआईटी का सीएस मिल ही जाएगा। सो उसको मिल चुका होगा वीआईटी का सीएस। सो अगर उसका सीएस पहला ही प्रेफरेंस लॉक हो गया तो वो आगे कैप टू में और कैप थ्री में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ऐसा रूल है सीईटी का कि अगर आपको पहला प्रेफरेंस मिलता है तो आपको उसको ऑटो फ्रीज में जाता है। वो ऑटो फ्रीज का मतलब ऑटोमेटिक कैप राउंड उसको फ्रीज कर देता है आपके पहले ऑप्शन को, और आपको अलाव ही नहीं करता कैप टू और कैप थ्री में बैठने से। और एक बार ऑटो फ्रीज हो गया, ऑटो फ्रीज के बाद क्या प्रोसीजर है कि आपको 19 से लेकर 21 को आपको इंस्टीट्यूट में जाना होगा और डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, और वहाँ पे जाके फी पेमेंट करनी होती है, चाहे फी पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में करो या फिर एक साथ पूरी भर दो, वो कॉलेज पे डिपेंड होता है फी पेमेंट का। पर आपको फिजिकली इंस्टीट्यूट में जाना होता है 18 से 21 अक्टूबर, ये डेडलाइन दी है सीईटी ने इस साल कैप वन के लिए। सो आपको फिजिकली कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना वेरिफिकेशन करवाना होता है और फी पेमेंट करनी होगी एडमिशन कन्फर्म के लिए। ये हो गया पहले प्रेफरेंस लॉक होने की बात। अभी बात करते हैं आगे, आपका अगर पहले के अलावा कोई दूसरा प्रेफरेंस अगर लॉक हुआ, आपको मान लो बाई चांस सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, या फिर 15th हुआ, या फिर 20th प्रेफरेंस आपका लॉक हुआ, तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन होगा फ्रीज का, एक ऑप्शन होगा बेटरमेंट का। अभी सबसे पहले ये प्रोसेस आप जितनी कॉम्प्लेक्स समझ रहे हो इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है नहीं, बहुत इजी है, सिंप्लीफाई में आपको बताऊंगा। फ्रीज का मतलब क्या है कि आपको वो कॉलेज चाहिए और मैं डन करता हूँ, मुझे ये कॉलेज से सहमति है और मैं यही कॉलेज में एडमिशन लेने वाला हूँ, ये हो गया फ्रीज। बेटरमेंट क्या है, मुझे ये कॉलेज पसंद था आया बट मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि मुझे इससे ऊपर का कॉलेज मिल सकता है क्या नहीं। सो मुझे सेकेंड और थर्ड कैप राउंड में ट्राई करना है कि इससे बेटर कॉलेज अगर मुझे मिलेगा तो मैं वो लूँगा, और अगर नहीं मिला तो ये तो मैं अपने जेब में रखूँगा ही, ये होता है बेटरमेंट ऑप्शन सिंप्लीफाई वे में। अब मैं आपको बताता हूँ दो ऑप्शन है फ्रीज। अभी फ्रीज में अगर आपको कॉलेज मिला और आपको पसंद है कि भाई अच्छा है ये कॉलेज मुझे मिल गया है और इससे ऊपर मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मुझे कोई कॉलेज मिलेगा, सो इस ऑप्शन को मैं फ्रीज करता हूँ। और अगर आपने फ्रीज दबा दिया तो आपको 19 से लेकर 21 अक्टूबर को कॉलेज को फिजिकली विजिट करना है, और विजिट करने के साथ साथ फी पेमेंट करनी है और डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। सो ये होता है अगर आपने फ्रीज दबाया तो। और अगर आपने बेटरमेंट दबाया तो आप कैप टू में पार्टिसिपेट करोगे, और कैप टू में आपको वापस से ऑप्शन फॉर्म दिया जाएगा, आपको ये पहला जो ऑप्शन फॉर्म आपने भरा होगा उसी को आपको एडिट करना होगा। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, किसी प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करना है या फिर कोई नया प्रेफरेंस ऐड करना है तो आप कर सकते हो, बट एक क्वेश्चन है कि आप जब भी सेकंड कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म बनाओगे उसको ऐसा डिजाइन करना कि इसके ऊपर का ही कॉलेज आपको कोई मिले, मतलब कैप वन में जो कॉलेज मिला है उसके ऊपर के ही सारे कॉलेज वहाँ पे रखने हैं आपको, गलती से भी नीचे का कॉलेज मत रख देना, क्योंकि अगर वो अलॉट हो गया तो ये कॉलेज आपको चला जाएगा आपके हाथ से।
समझ रहे हो, आपको ऊपर के ही कॉलेज कैप टू में फिलअप करने हैं, इसके ऊपर के जो आपको अलॉट हुआ है, अगर आपने नीचे का रखा और अगर बाई चांस वो लग गया तो फिर आपको जो पहले अलॉट हुआ है कैप वन में वो निकल जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलने वाला। सो ऊपर के ही प्रेफरेंस कैप टू में रखने हैं अपने बेटरमेंट में जा रहे हो तो। ये हो गया बेटरमेंट की बात। सो समझ में आ गया ना, जनरली बोल रहा हूँ कि फ्रीज मतलब लॉक करना है, बेटरमेंट मतलब ये कॉलेज में रखूँगा बट इससे ऊपर का कॉलेज में ट्राई करना चाहता हूँ। ये हो गया बेटरमेंट। अभी एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑप्शन फॉर्म बनाया, मतलब जिन्होंने जिनके मेंटर से बोला कि ऑप्शन फॉर्म दे दो, एज इट इज़ छाप दे टॉपर के हिसाब से, सब COEP VJTI SPIT PICT सारे कॉलेज अच्छे अच्छे रख दिए और फिर लास्ट में उनको कोई कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ उनके परसेंटाइल के हिसाब से। सो ऐसे बच्चे भी होते हैं। सो उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है, ऑप्शन फॉर्म को कस्टमाइज़ क्यों नहीं किया आपने, चलो अभी नहीं किया, अभी जाने दो, अभी बाय मिस्टेक हो जाती है। तो आपके लिए आपके पास भी ऑप्शन आता है कि आप कैप टू में पार्टिसिपेट करोगे, और कैप टू में पार्टिसिपेशन फ़ी लगती है 1000 रुपये जो जनरली सब बच्चों को देनी है, चाहे आप फ्रीज करो, फ्लोट करो, पहला प्रेफरेंस लॉक हुआ या फिर कोई भी बच्चे हो, आपको 1000 रुपये पे करने ही होंगे अपनी सीट बुक करने के। सो ये याद रखना, 1000 रुपये रेडी रखना अकाउंट में, और बाकी तो आपने अगर फ्रीज करना ही है तो कॉलेज की फ़ीस भी रेडी रख देना। और यही था, बाकी जिनको अलॉट नहीं हुआ तो उनके पास कैप टू में वापस से ऑप्शन फॉर्म आएगा, तब जाके अच्छे से ऑप्शन फॉर्म डिज़ाइन करना, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको अलॉटमेंट होना ही चाहिए, और अच्छे से डिज़ाइन करो यार, कस्टमाइज़ करो अपना ऑप्शन फॉर्म। और बस यही था, बाकी मैंने आपको बोल दिया बेटरमेंट में आपको अच्छे ही ऑप्शन रखने, जो आपने कैप वन में आपको जो कॉलेज मिला है उससे अच्छे कॉलेज को ही आपको कैप टू में रखने हैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में। और बस, और आपको जो फाइनली वैकेंट सीट कब रिलीज़ होगी, मतलब कैप वन का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा और कैप टू के लिए वैकेंट सीट रिलीज़ होगी, वो रिलीज़ होने वाले 22 अक्टूबर को, और 19 से 21 अक्टूबर दिया जाता है आपको टाइम, आपको सोचने का टाइम दिया जाता है कि आपको फ्रीज़ करना है, बेटरमेंट करना है, और उसी टाइम में आपको कॉलेज में भी विजिट करना पड़ेगा, फिजिकली विजिट देना पड़ेगा, फ़ी पेमेंट करनी होगी एडमिशन कन्फर्मेशन के लिए। फ़ी पेमेंट में थोड़ा सा डिले हो सकता है, वो इंस्टीट्यूट से आप बात कर सकते हो, वो राज़ी हो जाते हैं, थोड़ा सा आप लेट फ़ी भी दे सकते हो नो डाउट, और इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो तभी आपको इंस्टीट्यूट बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कॉलेज पर डिपेंड करता है उनको इंस्टॉलमेंट में चाहिए या फिर उनको फुल फीस चाहिए। सो यही था, और बस। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आने वाले और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले कैप राउंड के ऊपर। सो गाइज चलो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंड मोस्ट प्रोबेबली होपफुली सबको अपना बेस्ट डिजायर्ड कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि 3 कैप राउंड है, कहीं ना कहीं आपको मिलने ही वाला है। सो गाइज चलो, बाय बाय।